जैसा कि आप सभी को पता है कि 2000 के नोट बंद होने वाले हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से 2000 के नोट बंद करने के बाद अब 500 रुपए के नोट को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। उस जानकारी को सभी को जानना बहुत ही जरूरी है। जैसा कि हाल में ही आरबीआई की ओर से 2000 रुपए के नोटों को वापस लेने का ऐलान हो चुका है, इसके बाद में अब लोगों के पास मौजूद 2000 के नोटों को बैंकों में वापस जमा करना होगा। इसके लिए 30 सितम्बर 2023 को लास्ट तारीख तय की गई है। वहीं 2000 के नोटों के बाद देश में सबसे बड़ा नोट मात्र 500 का ही रह जाएगा। साथ ही देश में 500 के रुपए को नोट का सर्कुलेशन भी काफी है। ऐसे में लोगों को 500 रुपए के नोट का सर्कुलेशन कभी ज्यादा होने वाला है। इसके साथ ही आप सभी लोगों को 500 की नोट की असली नकली पहचान होनी चाहिए। इसी के साथ आपको बता दें कि 500 के नोट को पहचान आप लोग कैसे कर सकते हो। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 500 रुपए के नोट को फ्रंट साइड में महात्मा गांधी की तस्वीर छपी होती है और इसी के साथ 500 रुपए के मूल्य वर्ग के नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर भी होते हैं। नोट के पिछले हिस्से पर देश के सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हुए लाल किले का चित्र भी है, जबकि नोट का आधार रंग स्टोन ग्रे है। इसमें अन्य डिजाइन और ज्यामितीय पैटर्न भी हैं जो नोट के आगे और पीछे कलर स्कीम से अलाइन किए गए हैं। अब फाइनली आपको बता दें कि 500 को नकली नोटों को कैसे पहचान सकते हो। आरबीआई के अनुसार 500 रुपए के नोटों के कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। अगर ये विशेषताएं किसी 500 रुपए की नोट में नहीं होंगी तो वह नकली होगा। इससे आप आसानी से 500 रुपए के नकली नोट की पहचान कर सकते हो। ऐसे में आम नागरिकों को 500 रुपए की नोट के असली और नकली होने में फर्क समझना आना चाहिए। 500 रुपए की असली नोट की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? मूल 500 रुपए के नोट की आधिकारिक आकार 66 मिलीमीटर और गुणे 150 मिलीमीटर, बीच में महात्मा गांधी का चित्र होगा। देवनगरी में मूल्य वर्ग अंक 500 अंकित होगा। माइक्रो लेटर्स में भारत और इंडिया लिखा होगा। नोट के फ्रंट साइड में व्हाइट स्पेस को रोशनी में देखने पर 500 की छवि दिखाई देगी। भारत और आरबीआई लिखी पट्टी होगी। नोट को झुकाने पर पट्टी का रंग हरे से नीला हो जाएगा। गारंटी क्लाज प्रीमियम क्लाज के साथ गवर्नर के हस्ताक्षर और महात्मा गांधी के चित्र की दाई और आरबीआई का प्रतीक होगा। महात्मा गांधी के चित्र और इलेक्ट्रोटाइप 500 वाटर मार्क होगा। ऊपर बाई और नीचे दाई और बढ़ते हुए फ्रंट में अंकों वाला नंबर पैनल होगा। नीचे दाई और रंग बदलने वाली स्याही में रुपए का चिन्ह 500 के साथ मूल्य वर्ग अंकित होगा। इसी के साथ दाहिने और अशोक स्तंभ का प्रतीक होगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे फ्रीडम मस्ती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।